सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आपको कई ऐसे प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे जिनका इतिहास काफी पुराना है। हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा के एक ऐसे ही मंदिर में जो मल्ला महल के नाम से काफी प्रसिद्ध है, और इस मंदिर में रामशिला मंदिर स्थापित है, और साथ ही ये बताया जाता है यहाँ रामचंद्र की चरण पादुका स्थापित की गई है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी चंद सिंह चौहान सर। सर, आपका स्वागत है मंदिर के लोकल में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर के इतिहास के बारे में। धन्यवाद। रामशिला मंदिर पुरातत्व में ऐतिहासिक महत्व का है, और यहाँ पर राजा रुद्रसन ने 1527 में मंदिर का निर्माण किया था, और इसके साथ दो अन्य मंदिर है, भैरव मंदिर और देवी मंदिर। सर, यहाँ पर राम जी की यहाँ शिला देखने को मिलती है, उसके बारे में। राजा रुद्रसन ने जहाँ रामशिला मंदिर का निर्माण किया था उसमें रामचंद्र की संपादना को स्थापित किया गया है, और इसमें प्रतिवर्ष स्थानीय लोग जो हैं रामनवमी के दिन पूजा अर्चना के लिए आते हैं, और एक भव्य मेला लगता है, और इसी कार्यक्रम में संस्कृति विभाग की ओर से आज हमने कन्या पूजन का आयोजन भी रखा है। सर, ये मंदिर में हमको देवी दुर्गाओं की और अन्य मूर्तियाँ देखने को मिलती है। देखो, देवी प्रतिमा 9 प्रतिमाएँ यहाँ पर स्थापित की है। अल्मोड़ा में राजा उद्योगचंद के द्वारा नौ दुर्गा और पंचकलेश चतुर्भुज नौ दुर्गा का स्थापना की गई है, जिसमें से मुख्य रूप से नंदा देवी, पाताल देवी, साई देवी, बारण देवी, प्रसाद देवी, उल्का देवी, त्रिपुरा देवी, नायल देवी, चाकन देवी हैं। विशेषकर अगर हम उनका अंकन देखते हैं तो उसमें जिस हिसाब से नौ देवी प्रतिमाओं का अंकन किया गया, उसमें पूर्ण रूप से अंकन का जो उनके हथियार अस्त्र है वो उससे स्पष्ट जाहिर नहीं होता कि वो उसी नाम से जाने। सर, यहाँ पर मल्ला महल में एक तिजोरी बताई जाती है, जाना जाता है। तिजोरी के बारे में लोग जीवन के लोग कहते हैं बहुत हैं कि यहाँ पर सुरंग भी थी, ये भी थी। हम प्राचीन मूर्ति के दृष्टि से अगर देखते हैं, जब तक हम उसका उत्खनन नहीं करते, जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं मिलता, तब तक उसके बारे में कहा जाना संभव नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। पुजारी जी, यहाँ कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, और सुबह किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु की भीड़ होती है? सुबह 4:30 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी यहाँ पर, तादा लगातार लाइन लगी थी। सुबह से ही लोग श्रद्धालु आ रहे थे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, भगवान रामचंद्र के शिलाई के रूप में स्थापित है जो मंदिर है। सुबह से लोग यहाँ चंद्रवंशी राजाओं के समय से 400 वर्ष पुराना काफ़ी मंदिर है। काफ़ी दूर दूर से भगवान अल्मोड़ा लोकल के लिए लोग कह रहे थे, उसके दूर गाँव गाँव से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ लोगों की किस तरह की मनोकामना पूरी? इस तरह की मनोकामना, चैत्रवासी जो भूमि है उसी चैत्र मेला लगता है भव्य रूप में। जो भी मन्नत मारते हैं भगवान रामचंद्र के शीश उगाते हैं, वहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, प्रतिवर्ष मेला लगता है। यहाँ पर तो हमारे साथ कुछ मौजूद श्रद्धालु भी हमें जानकारी दी है, किस तरह से देखते हैं मंदिर के बारे में, आप यहाँ पर पूजा अर्चना करना है इसके बारे में। आज क्या है, रामशिला मंदिर में हम पादुकाओं की पूजा करने के लिए आए हैं। शहर के सभी लोग सुबह से ही भीड़भाड़ है मंदिरों में, मंदिरों की पूजा करने के लिए आए हैं। कैसे देखते हैं, किस तरह की यहाँ मनोकामना पूरी होती है? सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए मनोकामना मांगते हैं। ठीक है मैम, आप ये यहाँ पूजा अर्चना करना है, यहाँ पर बताया जाता है भगवान रामचंद्र की शिला यहाँ पर रखी गई है। आप सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह से सभी श्रद्धालुओं की यहाँ लाइन लगी हुई है, सभी श्रद्धालु बड़े श्रद्धा से श्री रामचंद्र जी की पादुकाओं की पूजा करने के लिए आए हैं। सभी अपने अपने मन की चाहतों को पूरा हो जाए। ठीक है मैम, आप बताइए इस मंदिर के बारे में कैसे देखते हैं, इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है, आप भी यहाँ पूजा अर्चना कब से आ रही है पूजा अर्चना करने के? ये देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद यहाँ पे वो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, उनका यही कहना है कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, और लोगों की यहाँ भगवान रामचंद्र मनोकामना पूरी करते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।